पहले मैं महाकवि दिनकर की लाइन से शुरुआत करता हूं कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, कि पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे सा भुजदंड अभय, कि पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे सा भुजदंड अभय, रग रग नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। और अपने कविता का मैं शुरुआत करता हूं जवानी का आगमन। जब ये आंखें दूरदर्शी होने लगती हैं, जब ये मन मचलने लगता है, जब इस देह का रोम रोम दहकने लगता है, तब इस पुरजोर जवानी का आगमन होने लगता है। फिर मैंने कहा कि जब आंसू दबने सी लगती है, जवानी याद करिए अपने शुरुआत का, कि जब आंसू दबने सी लगती है, जब ये चेहरा मुखौटे का रूप लेने लगता है, जब जिम्मेदारियां दरवाजा खटखटाने लगती हैं, तब इस पुरजोर जवानी का आगमन होने लगता है। फिर मैंने कहा कि जब व्यथाएं कथा का रूप लेने लगती हैं, जैसे सब अपनी व्यथा कह रहे हैं जवानी में, कि जब व्यथाएं कथा का रूप लेने लगती हैं, जब विचार में जीवन होने लगता है, तब इस पुरजोर जवानी का आगमन होने लगता है। फिर मैंने कहा कि जब आसमां की ऊंचाइयां कम लगने लगती हैं, जब चट्टानों से टकरा जाने का हौसला होने लगता है, जब गिर भी वोना होने लगता है, तब इस पुरजोर जवानी का आगमन होने लगता है। और फिर मैंने कहा कि जब दिनकर जैसा तेज, दिनकर मतलब होता है सूर्य, जब दिनकर जैसा तेज खुद में होने लगता है, जब शशि जैसे सुंदर होने की चाहत उमड़ने लगती है, शशि मतलब चंद्रमा, जब शशि जैसे सुंदर होने की चाहत उमड़ने लगती है, जब देश के लिए प्राण न्योछावर करने का दिल करने लगता है, तब इस पुरजोर जवानी का आगमन होने लगता है। और लास्ट में मैंने कहा कि शाश्वत का मतलब होता है जो सदैव इस पृथ्वी पे बना रहे, तो मैंने कहा कि हे शाश्वत, जब इस जीवन को शाश्वत बनाने का दिल करने लगता है, तब इस पुरजोर जवानी का आगमन होने लगता है। और लास्ट में मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की लाइन है जो मोटिवेशनल लाइन है, मेरी मोटिवेशनल ही कविता ज्यादा रहता है, उनकी लाइन है कि कैसे जीवन होना चाहिए, कि वाटिका में भांति भांति के अनेका अनेक पुष्प फूल फूल जाते निज घर और गुमान में, कोई कोई देवताओं के शीश पे विराजता है, कोई ही सूख जाता है खिलते ही वीरावान में, पांच पंखुड़ियों का देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विध के विधान में, किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में सुगंध आसमान में। जय हिंद जय भारत।